सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज ये व्लॉग में मैंने अपना स्ट्राइडर का रिव्यू करने वाला हूँ और उसी के साथ उस पर मैंने क्या क्या इंस्टॉल करवाया, अभी कैसा लग रहा है, क्या स्पेसिफिकेशन, हर एक चीज़ को लेके बात करेंगे। वैसे मैं सोच रहा था FX100 लूँगा बट अवेलेबल नहीं था बिकॉज फिर उसके बाद मैंने देखा मेरे पास ऑलरेडी एक स्ट्रीट कैट है, ठीक है, तो फिर स्ट्रीट कैट लेने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैंने फिर उसके बाद चूज़ किया कि स्ट्राइडर लेना है, ठीक है। और इसका मतलब मैं दिखाऊंगा हर एक चीज़ आप लोग को बताऊंगा, तो बने रहिए व्लॉग में। तो ये है स्ट्राइडर फ़िलहाल, तो इसका स्पेसिफिकेशंस को लेके बात करते हैं। बेसिक इस पे जो आता है 27.5 इंच का अलॉय रिम और उसी के साथ साथ डबल डिस्क फ्रंट सस्पेंशन, ठीक है, एंड 2.4 इंच का इस पे टायर विड्थ आता है। तो मैंने सोच रहा था 4 इंच का लूँगा बट वो अवेलेबल नहीं रहता हर एक जगह में, तो मैंने 2.4 का लगा लिया दोनों साइड। और इस पे क्या क्या इंस्टॉल करवाया हुआ है, सबसे पहले तो मैं इधर बता दूँ, ठीक है, ये है मोटर और ये दोनों जो दिख रहा है ये इंडिकेटर है दो साइड का। और इधर लगाया हुआ है पैडल असिस्ट और उसी के साथ साथ 4 सेंसर लगाया हुआ है जिससे इसका स्पीड इंक्रीज़ करेगा, मतलब थोड़ा सा ट्यूनिंग किया हुआ है और कुछ नहीं। बाकी इधर मैं बात करूँ तो ये है एंटी थेफ्ट अलार्म, ठीक है, जो कि वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हुए अलार्म मारता है, ठीक है, ताकि चोरी ना हो ये डिवाइस। बाकी ये है चार्जिंग के लिए और ये है बैटरी पैक। बैटरी पैक में 24 वोल्ट का 13 एम्पियर बैटरी लगाया हुआ है जिसके साथ एक कंट्रोलर लगाया हुआ है जो कि ये कंट्रोल करेगा ये सब चीज़ों को, ठीक है। इधर लगाया हुआ है एक मैनुअल जो है बेल लगाया हुआ है और उसी के साथ साथ ये है इलेक्ट्रिक हॉर्न और ये है लाइट। लाइट बड़ा अच्छा है इसका, ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब पावरफुल है। बाकी बात करते हैं इधर क्या लगा हुआ है, ये है इंडिकेटर का स्विच और साथ ही साथ इस पर हज़ार्ड भी चलता है, मतलब हज़ार्ड वाला फीचर भी है इस पर, ठीक है। और अब अगर ये दिखाता हूँ मैं, बताओ, इधर लगाया हुआ है एक मिरर, साइड मिरर और उसी के साथ साथ ये है चाबी इसका ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। इधर दिखाता है वोल्ट कितना वोल्ट है, अभी 28 वोल्ट है, 29 वोल्ट तक जाता है, ठीक है, 24 वोल्ट का आउटपुट होता है 29 वोल्ट, सो अभी ये फुल चार्ज नहीं है। बट इधर जो दिखा रहा है, मतलब ये बैटरी का 4 वो दिखाता है डिवीजन, ठीक है, ये जब सेकंड पे या फर्स्ट पे आ जाता है तब इसको चार्ज करना होता है, तब ये 24 वोल्ट 22 वोल्ट पे जब आके रुकता है तब ये इसको चार्ज करना होता है। और ये दिखाता है इस पे डिस्टेंस कितना किलोमीटर गया हुआ है। अब इसको मैं इसका स्पीड टेस्ट करूँगा, ठीक है। इसके साथ बेसिक सा बॉटल आता है और मैं इस पे जेल सीट कवर लगाया हुआ और कुछ नहीं। तो अब इसको मैं वो करता हूँ, ठीक है, एक्सेलरेट करता हूँ और देखता हूँ भाई कितना जाता है, ठीक है, वो दिखाऊंगा आप लोग को। तो सबसे पहले तो मैं इंडिकेटर का फीचर दिखाता हूँ आप लोग को, मैं राइट का मारूंगा अभी। वैसे तो ये सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, सेफ्टी लाइट्स इस पर चलता रहता है ऑलवेज ऐसा, ठीक है। और अभी मैं इंडिकेटर मारूंगा, राइट का मारा मैंने और ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं लेफ्ट का मारूंगा, देखिए राइट का है अभी, ठीक है, लेफ्ट का मारा मैंने, लेफ्ट का दिखा रहा है और साथ ही साथ एक साउंड ये प्रोड्यूस कर रहा है। और अभी मैं इसको बंद करके हज़ार्ड जलाऊंगा, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। हज़ार्ड के लिए इधर एक लाइट है ऐसा, दो, ये फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला ये है, ठीक है, और थर्ड वाला जो है हज़ार्ड, सबसे बेस्ट फीचर, ठीक है, इसका, जो कि ये ई बाइक का लुक को और अपग्रेड कर देता है, ठीक है। तो अभी इसमें मैं बताता हूँ ये जो एंटी थेफ्ट अलार्म लगाया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। मैं पहले तो चाबी निकाल देता हूँ इसका, ठीक है, और कर देता हूँ लॉक। लॉक हो गया, अभी साउंड आ गया, ठीक है। अब इसको हल्का सा वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, ये वाइब्रेशन सेंसर से ये डिटेक्ट कर लेता है, उस पर वाइब्रेशन सेंसर लगाया हुआ है इस पर, ठीक है। तो ये एक बार हुआ, मतलब फर्स्ट वार्निंग। सेकंड वाला दिखाता हूँ, ये सेकंड वार्निंग, ठीक है। अब थर्ड वार्निंग दिखाता हूँ, ये पहले तो इधर इसको इधर रख देते हैं, जो तो लोग सोचेगा कि ये मैं रिमोट से कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। तो चाबी यहाँ पे है, अब थर्ड वाला करते हैं,
ठीक है, अब ये बचता ही रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ है ऐसा, और अब इसको ऐसे अनलॉक करने के लिए ये है, ठीक है, जिस पे डबल बीप देता है, और लॉक करने के टाइम ये सिंगल बीप करता है, ठीक है। तो ये है कुछ इसका टोटल, मैंने स्पेसिफिकेशंस को लेके बात किया। अभी इसका स्पीड को चेक करते हैं कितना जाता है, क्या जाता है, ठीक है। अभी पहले स्विच को डालते हैं, ऑन करते हैं, अब दिखाते हैं इसका स्पीड। तो अभी इसका स्पीड चेक करते हैं, तो सबसे पहले तो करते हैं एक्सीलेट, 2 सेकेंड में 40 पहुंच गया, 40-41 तक जाता है हाईस्ट, ये घूम रहा है। अब इमीडिएट मैं अगर ब्रेक, कोई भी ब्रेक लगा दूंगा ना, ब्रेक लगाने के बाद ऑटोमेटिकली पावर कट हो जाता है, ठीक है। और ब्रेक लगाने के बाद अगर एक्सेलरेशन मैं दूंगा तो ये नहीं जाएगा। ये बहुत बढ़िया फीचर है एक, ठीक है, ट्रैफिक में चलाने के लिए बहुत बढ़िया फीचर है। सो अब मैं बताता हूँ इसका स्पीड को लेके बात करते। इधर मैंने आप लोग को बताया कि पैडल असिस्ट दिया हुआ है, और उसी के साथ साथ 4 सेंसर लगाया हुआ है इधर, तो उसका क्या काम है मैं बताता हूँ। तो अभी जो मैंने इस पे पैडल असिस्ट का फीचर बता रहा था उसको आप एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अभी इस पे मैं रेस नहीं लगाऊंगा, मैं बस इस पे पैडल मारूंगा, ठीक है। इसमें स्पीड देखना, ये होता है पैडल असिस्ट, रेस नहीं लगाया मैंने, ये करता है स्पीड को इंक्रीज, और उसके साथ साथ जो डिस्टेंस है उसको भी इंक्रीज कर देता है, मतलब माइलेज बढ़ जाता है इस पर, ठीक है। तो फिर से मैं दिखाता हूँ इसको, और इधर दिखाऊंगा मैं कितना जा रहा है, ठीक है। मैं फ़िलहाल तो अभी साइकिल को वो कर दिया, मतलब स्टैंड पे, ठीक है। तो अब पैडल असिस्ट के साथ मैं स्पीड चेक कराता हूँ, मैं बिल्कुल भी रेस नहीं दूंगा, ठीक है ना। मैं बस इधर स्पीड दिखाऊंगा और इधर पैडल मार रहा हूँ मैं, ठीक है, हाथ से। बिल्कुल भी रेस नहीं दे रहा मैंने, फिर भी 40 पैडल असिस्ट में, बस पैडल मार मार के, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये है फिलहाल तो पैडल असिस्ट का फीचर। तो मैं इस डिटेल ब्लॉग के जरिए आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि क्या क्या चीज इस पे मैं मॉडिफाई करवाया हूँ, क्या क्या चीज इस पे मैं इंस्टॉल करवाया हूँ। वैसे तो मॉडिफिकेशन का कोई लिमिट नहीं होता, मॉडिफिकेशन उस हद तक जा सकता है, ट्यूनिंग उस लेवल तक जा सकता है। मतलब लोग R15 को भी BMW बना देते हैं, लोग स्विफ्ट को भी सुपर बना देते हैं। तो मॉडिफिकेशन का तो मतलब कोई लिमिटेशंस नहीं होता। और ट्यूनिंग का बात अगर करूँ तो ट्यूनिंग क्या चीज़ होता है पता है? ट्यूनिंग होता है लिमिटेशंस को ब्रेक करना, ट्यूनिंग का मतलब ही यही है एक लाइन पे। तो उस हिसाब से इस हर एक व्हीकल पे ट्यूनिंग किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं कि बस कार पे, बाइक पे, ई बाइक पे, हर एक चीज़ पे होता है ट्यूनिंग। तो इस पे फिलहाल तो मैंने जो करवाया है, जो मॉडिफिकेशन, जो इंस्टॉलेशन करवाया है इस पे, जो जो चीज़ें, वो बस मैंने इस पे फिलहाल तो इसका बेसिक जो स्पीड है, मैं बेसिक स्पीड बताता हूँ। बेसिक स्पीड इसका रहता है 25 किलोमीटर पर आवर, है ना, और इसका रेंज रहता है 40 किलोमीटर। उस हिसाब से अगर देखा जाए, स्पीड और रेंज को मैंने इंक्रीज करूँगा सोचा, तो मैंने फिर रिसर्च किया क्या क्या चीज़ होता है, क्या कुछ। फिर उसके बाद मैंने जब देखा, मेरे को पता लगा, तो फिर उसके बाद मैंने इस पर वो मॉडिफिकेशन करवाया। अब बात यही आता है कि ऐसा डिटेल्ड वीडियो मैंने तो अभी तक यूट्यूब पे देखा नहीं। तो अब आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो, इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, तब मैं ट्यूनिंग जब कराऊंगा मेरे ये ई बाइक पे, उसका भी मैं डिटेल व्लॉग बनाऊंगा कि कैसे क्या करना है, क्या कुछ करना है। पहले इसका आउटपुट देख लेते, उसके बाद मैं ट्यूनिंग कराऊंगा, क्योंकि इसको लेके मैंने सोचा हूँ पहले से ही ट्यूनिंग मेरे को कराना है। मगर ट्यूनिंग का बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी आता है, उसको लेके भी बात करेंगे। पहले बात तो ये रेंज और स्पीड को लेके बात करते हैं। ये अभी पैडल असिस्ट लगाने के बाद जो रेंज है वो और इंक्रीज हो चुका है। एक नॉर्मल 40 किलोमीटर होता है इसका जो बेसिक रेंज। अब इस पर पैडल असिस्ट इंस्टॉल करवाने से क्या हुआ, उसका जो सेंसर है वो एक्स्ट्रा, मतलब पैडल असिस्ट के जरिए क्या होता है कि अभी वो 50-52 रेंज दे देगा किलोमीटर, ठीक है, इतना दे देता है। और उसके बाद अगर हम लोग स्पीड को लेके बात करें, जैसे 30 आपने देखा कि 41 किलोमीटर पर आवर तक जा रहा है वो।
अब उसी पे पैडल असिस्ट, अगर उसी के साथ पैडल असिस्ट का भी मतलब फीचर को ऐड किया जाए तो ये आराम से फिर देखा जाएगा तो 46 किलोमीटर 48 किलोमीटर पर आवर तक तो जा ही जाएगा, इतना तो मेरे को पता है। मगर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो स्पीड को फिर से घटा देता है। जैसे स्पीड डिपेंड करता है, पहली बात तो स्पीड और रेंज दोनों ही डिपेंड करता है। एक तो साइकिल का जो वेट है, चलिए वो भी कैलकुलेटेड हो गया, उसको भी माइनस कर देते हैं हम। फिर जो बंदा उस पर बैठ रहा है उसका क्या वेट है, जैसे मैं बैठ रहा हूँ तो मेरा 34-35 किलोमीटर पर आवर तक जा रहा है, और वहीं पर अगर मेरे जगह पर कोई पतला इंसान उस पर बैठेगा तो रेंज स्पीड दोनों ही इंक्रीज हो जाएगा। और वो कौन सी रास्ता पे चला रहा है, ठीक है, रास्ता अगर कंकर वाला इलाका हुआ तो फिर तो मतलब स्पीड घटना ही घटना है, रेंज घटना ही घटना है। अगर रास्ता एकदम क्लियर, एकदम प्रॉपर रास्ता हुआ, ठीक है, प्लेन रास्ता हुआ, तो फिर उस हिसाब से स्पीड और रेंज दोनों ही अच्छा परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं साइकिल का जो टायर विड्थ है, टायर विड्थ जितना पतला होगा उतना स्पीड और रेंज बढ़ेगा, मतलब अच्छा रहता है स्पीड और रेंज। और वहीं पे टायर जितना मोटा होगा, जैसे फैट बाइक का स्पीड सबसे कम होता है, यही बात है, तो स्पीड और रेंज दोनों ही फैट बाइक का सबसे कम होता है। इसलिए मैंने फिर फैट बाइक का जब सोचा था पहले, फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं फैट बाइक नहीं लेना, तब मैंने जाके ये लिया 2.4 इंच वाला, 2.4 इंच विथ वाला मैंने टायर लगाया इस पर। फिर भी अगर इस पर मैंने और कम विथ का टायर लगाता तो इसका स्पीड रेंज दोनों ही और ज़्यादा बढ़ जाता। तो मॉडिफिकेशन ट्यूनिंग अभी मैं करवाऊंगा इस पे, ट्यूनिंग कराने के लिए इस पे अलग से जो कंट्रोलर, फिर और एक बैटरी, डबल बैटरी आई थिंक लगाना पड़ता है क्या कुछ, मेरे को देखना पड़ेगा वो चीज़। देख के मैं प्रॉपर जब करूँगा उसके बाद मैं उसका भी डिटेल वीडियो बनाऊँगा, व्लॉग बनाऊँगा। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पे, बहुत कुछ देखने को मिल सकता है आप लोग को। और व्लॉगिंग अभी थोड़ा सा बंद रखा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है और पास में फाइनल एग्जाम आ रहा है, तो फाइनल एग्जाम के बाद मैं फिर व्लॉगिंग को कंटिन्यू करूँगा, जो भी ट्रिप वगैरह है उसको कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि अभी घूमने वूमने भी नहीं जा रहा हूँ मैं। अभी एग्जाम देने के बाद फिर मैं ये यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू करूँगा, मतलब आप यही मान के चलिए मई से मैं फिर से प्रॉपर व्लॉगिंग चालू कर दूंगा, डेली व्लॉग आएगा उसका। तो और इन फ्यूचर और भी बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं, अगर वो सब वर्क कर गया तो फिर तो ये यूट्यूब पे डेली व्लॉग आएगा तब। और व्लॉग भी ऐसा नहीं कि ये नॉर्मल घर में बैठे बैठे वो ऐसा व्लॉग नहीं, ठीक है, व्लॉग होगा एकदम उस लेवल का, वो भी बताएंगे आप लोग को। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। वैसे तो मैं सोच रहा था यार कि मेरे को बाइक लेना है, बट मेरा जो एज है उस हिसाब से घर वाले अलाउ नहीं करते, तो मैंने सोचा चलो ठीक है कोई ना, ई बाइक ले लेंगे, उसको करा लेंगे मॉडिफाई, उस पर फिर ट्यूनिंग करा लेंगे कुछ महीने बाद। तो उस पर क्या होगा, तब स्पीड बढ़ जाएगा उसका। ट्यूनिंग करने के बाद स्पीड वैसे तो 65-70 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है आराम से, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग। बाकी उस पर बैटरी, कंट्रोलर, बहुत कुछ एक्सेसरीज होता है जो उस पर इंस्टॉल करना पड़ता है ट्यूनिंग कराते वक्त, वो भी मैं चेक कर लूँगा क्योंकि मेरे को कराना है। तो उस हिसाब से ये है बात। और उसके बाद ट्यूनिंग कराने के बाद सबसे मेन जो प्रॉब्लम आता है, स्पीड रेंज दोनों ही घट जाता है। जैसे हम लोग को अगर रेंज ज़्यादा बढ़ाना है तो स्पीड घट जाएगा, स्पीड कम कराना ही पड़ेगा, क्योंकि फुल स्पीड में मतलब स्पीड भी ज़्यादा रेंज भी ज़्यादा, ये दोनों कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर हम लोग को ज़्यादा स्पीड चाहिए तो रेंज घट जाएगा, अगर हम लोग को रेंज ज़्यादा चाहिए तो स्पीड कम कराना पड़ेगा, ये है। सुनने में ऐसा लगता है कि बाइक में 35-40 किलोमीटर तो कुछ नहीं है, मगर ये जब आप साइकिल में चलाएंगे ना, कोई भी साइकिल को, अगर आप इलेक्ट्रिक साइकिल पे अगर आप 35-40 किलोमीटर को टच करते हैं तो आप लोग को पता चलेगा कि 45 किलोमीटर, सॉरी 35 या 40 किलोमीटर क्या होता है, क्या स्पीड होता है। क्योंकि साइकिल में स्पीड कुछ और होता है, बाइक में स्पीड कुछ और होता है। साइकिल में जब आप बैठ के वो स्पीड को फील करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा साइकिल ऐसे वॉबलिंग करेगा। और उसी के साथ साथ बट बाइक में वो चीज़ क्या होता है, नॉर्मल होता है, तो बाइक में हम लोग को पता नहीं चलता स्पीड एक्चुअली में 35-40 किलोमीटर है क्या। हम लोग तो आराम से 35-40 किलोमीटर पर ऐसे ऐसे चलाते, वहीं पे अगर साइकिल हो गया ना वो चीज़, इलेक्ट्रिक साइकिल हो गया, तब हम लोग को पता चलता है तो 35 किलोमीटर क्या चीज़ है, क्या स्पीड है। तो ये है बात, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से रहिए और ब्लॉग देखते रहिए मेरा।